देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की चार बार सत्ता संभाल चुकी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के सुप्रीमो मायावती का राजनीति करने का तरीका जरा अलग है। वो विपक्ष की नेता हैं और मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। लेकिन बात जब देश हित की आती है तो मायावती तमाम राजनीति को किनारे कर देती है और मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ी हो जाती है। कभी कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के ऐतिहासिक फैसले पर मोदी सरकार का साथ देने वाली मायावती ने इस बार देश में नई संसद के उद्घाटन के मुद्दे पर मोदी सरकार का साथ दिया तो कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई और लगी मायावती को कोसने। एक कहावत बड़ी पुरानी है, न खाता न बही, जो हम कहें वही सही। ऐसा लगता है ये कहावत मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए ही बनी है, जो इस वक्त नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाले विरोधियों का अगुआ बनी घूम रही है। कांग्रेस को जब से ये पता चला है कि नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं, तभी से कांग्रेस इसका विरोध करने लगी है और राष्ट्रपति से संसद भवन के उद्घाटन की मांग कर रही है। और उसकी इस मांग का समर्थन करने वालों में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार जैसे नेताओं की 21 पार्टियां शामिल। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने से साफ इनकार कर दिया और एक ट्वीट में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को लताड़ते हुए कहा, केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है और 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है, सरकार ने इसको बनाया है इसलिए इसके उद्घाटन का उसे हक है, इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है, ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यही बयान कांग्रेस का कलेजा छलनी कर गया क्योंकि उसे नई संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार करने के मुद्दे पर मायावती का साथ नहीं मिल सका। इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट में कह दिया, लगता है फोन पहुंच गया है बहन जी के पास। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मोदी सरकार के बचाव में मैदान में यूपी में गठबंधन की तस्वीर थोड़ी और साफ हुई। सुप्रिया श्रीनाथ के इस ट्वीट से ही आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति करती है। जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कांग्रेस का साथ देने से इनकार कर देती है तो वो ओवैसी की पार्टी को बी टीम बताने लगती है। जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी गुजरात में जाकर चुनाव लड़ती है तो वहाँ भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता देती है। और अब जब बीएसपी ने संसद के बहिष्कार के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने से इनकार कर दिया तो कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनाथ तंज मारते हुए कहने लगी, लगता है फोन पहुंच गया है बहन जी के पास। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मोदी सरकार के बचाव में मैदान में यूपी में गठबंधन की तस्वीर थोड़ी और साफ हुई, लेकिन वो भूल गई कि अकेले मायावती ने ही नई संसद के उद्घाटन के मुद्दे पर मोदी सरकार का साथ नहीं दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के विरोध को दरकिनार करते हुए उद्घाटन समारोह में जाने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और भला क्या हो सकती है कि खुद उसी के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ही कह रहे हैं कि राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए। भारत की संसद का उद्घाटन भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? देखिए, भारत की संसद भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं, ये किसी एक पार्टी की नहीं होती हैं, ये पूरे देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए, हम करेंगे, हम सड़क पर करेंगे, हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं और देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं।
जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भी बायकॉट किया है पार्लियामेंट के मरोज को लेकर और कांग्रेस भी समर्थन दे रही है। नहीं नहीं, क्या मैं तो विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। देश की संसद पूरे देश की है, किसी एक पार्टी की नहीं। भारत की संसद को भाजपा का समझना गलत है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि तमाम विपक्ष ओबीसी के रास्ते पर ना चले। पीएम मोदी के हाथों नई संसद भवन का उद्घाटन कराने का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों को लताड़ लगाने वाले प्रमोद कृष्णम कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें लखनऊ सीट से टिकट देकर बीजेपी नेता राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाया था। इसी बात से समझ सकते हैं कि कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस के फैसले का ही विरोध कर रहे हैं, तो भला बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कदम से कांग्रेस क्यों बौखला रही है, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल मुश्किल वक्त में मोदी सरकार का साथ देने वाली मायावती के कदम से कांग्रेस जिस तरह से बौखला रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लोकसभा का उद्घाटन हो रहा है लेकिन विपक्ष लामबंद है। विपक्ष का ये कहना है कि ये वो विरोध करें, इसको उनका क्या जवाब दें? देखिए, अब मैं आप तो ये पिछले कुछ दिनों से ये बहस आप सुन रहे हैं और मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए।